नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ग्रुप। धर्म नगरी हरिद्वार में आज महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान है। आज बैसाखी के स्नान पर लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच गए हैं और हरि की पौड़ी पर अन्य गंगा घाटों पर स्नान आरंभ हो गया है। बैसाखी स्नान को कुंभ का सबसे महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है, इसलिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु की भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है। हरिद्वार में आज हो रहे तीसरे शाही स्नान को लेकर के DGP, मेला क्षेत्र अधिकारी और IG कुंभ ने जुलूस के मार्गों का निरीक्षण कर लिया है। आज सुबह 7 बजे के बाद हरि की पौड़ी अखाड़ों के लिए आरक्षित हो गई है। बीती रात 12 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे से पहले तक ही श्रद्धालुओं ने यहाँ स्नान किया। बताया जाता है कि 14 अप्रैल महाकुंभ 2021 का सबसे बड़ा दिन है। पुलिस ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि स्नान के दौरान स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि इतनी भीड़ को देखते हुए असुविधाएं आती हैं, लेकिन प्रशासन ने उसकी तैयारी कर ली है। दरअसल बीते सोमवार हुए शाही स्नान के दौरान बैरागी संतों और उनके अनुयायियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसके चलते बैरागी संतों को स्नान में देरी हो गई। श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों का स्नान भी देर से ही हुआ। ऐसे में संत शंकराचार्य चौक पर धाने पर बैठ गए थे। इसके बाद मेला पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझा कर स्नान के लिए भेजा। इसको लेकर के मंगलवार के वैरागी अखाड़ों के संत के साथ मेला पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि जुलूस में शामिल लोगों को पास जारी किए जाए। जिन लोगों के पास यह पास नहीं होगा, उन्हें जुलूस में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही जुलूस में 4 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जो वहां की जानकारी देते रहेंगे। इसके बाद के पीछे आने वाले गृहस्थों को हर की पौड़ी के पास वाले घाटों पर स्नान कराया जाएगा। खबर जगत के लिए ब्यूरो से हरिद्वार की रिपोर्ट।